भैया हमें ना एक रूम चाहिए। अरे तुम दोनों तो मुझे स्कूल के बच्चे लग रहे हो। उम्र क्या है तुम दोनों की? 17 साल। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर मैं तुम्हें रूम दूंगा तो ये होटल नहीं पकड़ा जाएगा। कोई रूम वूम नहीं है यहाँ पे, निकलो यहाँ से। अरे भैया ऐसे मत बोलो, आपको नहीं पता हम कितने टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं और हम पैसे जोड़ के यहाँ पर आए हैं। प्लीज रूम दे दो, आपका क्या ही जाएगा। वैसे एक बात बताओ, अभी तो स्कूल का टाइम हो रहा है, तुम दोनों यहाँ पे स्कूल बंक करके आए हो क्या? भैया आपको क्या लेना देना उससे, वो हमारी पर्सनल लाइफ है, हम बंक करके आए हैं चाहे जैसे भी आए हैं, आपको रूम देने से मतलब है ना? कोई रूम वूम नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। देखिए भैया मैं अच्छे से जानती हूँ आप ऐसे स्कूल के बच्चों को रूम्स दे देते हो, और वैसे भी हम दोनों तो 11th में हैं, आप तो 7th-8th के बच्चों को भी रूम दे देते हो, हमारे स्कूल के बच्चों ने बताया हमें। चलो तुम दोनों अगर मुझे इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम दोनों को रूम दे दूंगा, लेकिन 2000 रुपये लगेंगे, पहली बता रहा हूँ। हाँ हाँ है हमारे पास 2000 रुपये, हम आपको पैसे दे देते हैं, आप हमें रूम दे दीजिए प्लीज। हाँ तो फिर ठीक है, समझ जाओ कि तुम्हें रूम मिल गया, ये लो रूम की चाबी और आराम से 2 घंटे एंजॉय करो, लाओ मेरे पैसे। ऐसी अगर स्कूल के बच्चे डेली आते रहे फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। सही है ये भी। अरे भाई अपना धंधा तो 1 नंबर का चल रहा है, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है मेरा। नमस्ते सर। हमने सुना है तुम यहाँ नाबालिग बच्चों को रूम देते हो। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, आखिर हम क्यों नाबालिगों को रूम देंगे? हम पहले आईडी पैन कार्ड ये सब जमा करवा लेते हैं, उसके बाद रूम देते हैं, और वैसे भी 18 साल से कम वालों को हम रूम नहीं देते यहाँ पे। शांत रह, मुझे चेकिंग करनी होगी होटल की। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो आप। अरे सर, अरे सर, अरे सर कुछ नहीं है सर, सर मेरी बात तो सुनो सर, सर देख लेना कुछ भी नहीं है सर। चुपचाप से खड़ा रहा है और पुलिस को अपना काम करने दे, हमारे साथ कोऑपरेट कर वरना तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अरे सर वहां कुछ नहीं है सर, वहां मत जाओ सर, उस रूम में मत जाओ सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज। तू ये लड़की क्या उम्र है तेरी? 17। और तेरी? 17 साल सर। 17 साल, इसका मतलब दोनों नाबालिग हो। क्यों बे क्या कर रहे तेरे होटल के अंदर ये नाबालिग बच्चे? सर मुझे नहीं पता ये दोनों कहां से मेरे होटल के अंदर आ गए। ओए तुम दोनों कहां से आए मेरे होटल के अंदर, चलो निकले यहां से, निकलो। अच्छा तेरे को नहीं पता, चिड़िया खाना ना तेरा, चिड़िया उड़ के आ गई तेरे होटल के अंदर, जल्दी बता कहां से आए। सर मुझे सही में नहीं पता, ओए निकल। बस कर अपना ये ड्रामा, और हम ना कोई स्कूल के बच्चे नहीं है जो पैसे देकर तुझसे यहाँ रूम लेने आए हैं, बल्कि हम तुझ पर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, और ये मेरा छोटा भाई है, हम लोग पुलिस के लिए काम करते हैं। हम लोगों को ना बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि तू स्कूल के बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे लेकर उन्हें यहाँ रूम देता है, तुझे शर्म नहीं आती है काम करते हुए? अरे सरकार ने रूल्स क्यों बनाए हैं, तुम जैसे लोग वो रूल्स फॉलो ही नहीं करते हो। कुछ पैसों के लालच में तुझे पता भी है तू कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, बेचारे बच्चे उनकी लाइफ खराब हो रही है, वो अपने स्कूल बंक करके यहाँ रूम्स में पड़े रहते हैं, और तुम जैसे लोगों को ना अंदाजा भी नहीं होता कि तुम्हारे थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में तुम लोग कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हो। मैडम और सर प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं। अरे आगे से तो तू तब करेगा ना जब हम तुझे छोड़ेंगे। सर रेस्ट कर लो इसको और लेके जाओ पुलिस स्टेशन में। सर प्लीज सर मुझे माफ कर दो, आगे से सही में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज सर। जे माफ कर दूं, तेरे को शर्म नहीं आ रही? छोटे छोटे बच्चों के साथ में तू खिलवाड़ कर रहा है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तेरे को ऐसे माफ नहीं, तेरे को तो सजा मिलेगी। चल मेरे साथ थाने, चल चल।